हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर प्रयागराज आप आए, तमाम बीजेपी के नेताओं से और स्थानीय लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। 2024 के लोकसभा को लेकर, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? 9 साल बेमिसाल मोदी जी की सरकार की और 9 साल बेमिसाल निषाद पार्टी की सरकार। इलाहाबाद एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है। यहाँ भगवान राम निषाद राज के किले पर आए थे त्रेता में और निषाद राज को गले लगाए थे और निषाद राज की सेना दिया निषाद राज ने और रावण राज ख़त्म करके यहीं से दिखाया था। और उस निषाद राज के किले की धरोहर को विकसित कराने के लिए पर्यटक स्थल घोषित कराना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के ऑडिटोरियम के लिए अलाट कराना, उसे सांस्कृतिक विभाग के द्वारा उसको संरक्षित करना, भगवान राम और निषाद राज के गले का लगे 56 फुट की मूर्ति, ऐसे मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराना, निषाद राज बोट योजना के मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना में अभी पोर्टल चल रहा, 15 तारीख तक मतलब 2 दिन और चलेगा, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, इस तमाम योजनाएं के माध्यम से इस मछुआ समुदाय जो 18% इसी से आप कर सकते हैं कि 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी लेकिन ये मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ा रहा और ऐतिहासिक जीत 2019 में मिली। 2022 में आपने देखा होगा फिर ऐतिहासिक हुई कि फिर मोदी जी को, योगी जी को गद्दी बैठाया। आपने नगर पालिका का चुनाव देखा होगा, नगर निगम जितने बड़े हैं वो बड़े बड़े नगर निगम जो बड़े बड़े नदियों के साथ हैं, हमारी आबादी वहाँ है और फिर से एक मुश्त वोट देकर मानी इस भारतीय जनता पार्टी था, फिर मोदी जी 2024 में गद्दी पर बैठे, उसके लिए कार्यकर्ताओं को सहेजना, इनको अब मोदी जी के द्वारा भेजे गए, योगी जी के द्वारा भेजे गए जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर पहुंचाए हैं, बिना भेदभाव के सबको लाए हैं। तो इससे कहना कि 15,000 लोगों को हमने पिछले साल सेलेक्ट किया है, जिसमें 14,500 के आसपास मछुआरे हैं, जो पहली बार है 70 साल में कि मछुआरों को हम कुछ दे पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें आज अपील यहाँ करने आए थे, उस निषाद राज के किले पर त्रेता में भगवान राम आए थे तो त्रेता में तो मुसलमान यहाँ थे नहीं, तो निषाद राज के किले पर मस्जिद क्यों है, ये मस्जिद कब अचानक आ गई है, वो हमारे आस्था का केंद्र है। मैं अपील करता हूँ सरकार से, जिस तरीके से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है उसी तरीके से निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए, नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। हम अपील करते हैं मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से, कि आस्था का केंद्र वह निषादों का है और हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है, वहाँ मस्जिद नहीं रहना चाहिए, मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर लें, पूजा पाठ कहीं किया जा सकता है, वो पर्यटक स्थल घोषित है, 300 मीटर के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ क्यों मस्जिद बढ़ती जा रही है, तो एक कानून का उल्लंघन है। मैं चाहता हूँ कि उसे जल्दी हटाया जाए और हमारा समाज अब धीरे धीरे जग रहा हो, निषाद राज की पूजा पाठ करता है, घर घर हम भगवान राम और निषाद राज का फोटो घर घर कैलेंडर जा रहा है और जिसके वजह से ये लोग जानते इनका जो सोच है बदल रहा निषादों का कि हमारे पुरखे राजा थे तब प्रजा सुखी थी, तब राम राज था, निषाद राज था तब प्रजा सुखी थी, 750 वर्ष मुगलों ने, 350 वर्ष अंग्रेजों ने, पिछली सरकारों ने हमें कानून बना के बर्बाद किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से ये प्रभावित है, इसलिए कानून बनाकर इनको आया जाए, इनके आरक्षण का मुद्दा भी धीरे धीरे। आपने कहा कि अगले साल नवमी तक मस्जिद को हटा लिया जाए, नहीं तो निश्चित रूप से वो नहीं, नवमी को जन्म भगवान राम का है और 4 दिन बड़े उनसे थे, पंचमी को निषाद राज का जन्म है, तो पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को हम लोग हर साल लाखों लोग वहाँ आते हैं। अब लाखों लोगों को संभालना तो बड़ा मुश्किल है ना, वो लाखों लोग देख के मस्जिद गुस्से में आते हैं, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं सरकार से अपील करूँगा और मुस्लिम समाज से भी कहूँगा कि वहाँ से मस्जिद हटा ली जाए, नहीं तो अगले साल उसको अपने आप हमारे लोग तोड़ के फेंक देंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनका कहना है कि निषाद राज के किले पर अगले साल पंचमी तक अगर मस्जिद को नहीं हटाया गया, जो मस्जिद बनाई गई है, तो हमारे लोग उसको वहां से हटा करके गंगा में फेंक देंगे। तो डॉक्टर संजय निषाद प्रयागराज आए थे और प्रयागराज में ही शंगेरपुर में वो स्थल है जहां पर भगवान राम और निषाद राज का मिलन हुआ था और निषाद राज ने भगवान राम को गंगा पार कराई थी और उसके बाद से वहां पर जो है लगातार पर्यटन विभाग की तरफ से वहां पर विकास का काम चल रहा है और जो मस्जिद है वहां पर उसको लेकर के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि अगले साल पंचमी तक अगर मस्जिद को नहीं हटाया गया तो हमारे लोग उसको वहाँ से हटा करके गंगा में फेंक देंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।